गलत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी के अपने को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा। इसीलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। भैया परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ, यही तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। अरे इससे तो मुझे भी कुछ याद आया। क्या? कोरोना काल के बारे में, जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब हमारे भारत में बनी दवाइयाँ पूरे विश्व में फ्री में दी गई थी, इससे लोगों की जान बच सकी। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। अरे इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम सब लोग इसी सोच को आगे लेकर बढ़े तो एक दिन हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। लेकिन चिड़िया पर सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। देखो आज जब पूरे विश्व के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब हम यानी कि भारतीय लोक कला मंडल और द परफॉर्मर्स कल्चर सोसाइटी मिलकर श्रीमती श्रीमान देवीलाल सामर जी की स्मृति में भारतीय लोक कला मंडल में राष्ट्रीय नाट्य समारोह के माध्यम से सब लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई सोने की चिड़िया, आ गई सोने की चिड़िया, नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं बचेगा अत्याचारी, खत्म हुई अब दुख की गलियां, खत्म हुई अब दुख की गलियां, लो आ गई सोने की चिड़िया, आ गई सोने की चिड़िया, आ गई। बनने के लिए हमें किन किन विषयों पर लोगों को जागरूक करना है ये भी तो बताओ। मैं बताती हूँ, इधर आ। देखो अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। अगर कोई महिला के भलाई के कार्यों में लगा है तो वो उनको सशक्तिकरण और उन्हें शिक्षित करने के बारे में जागरूक करे। समाज में उनके प्रति होने वाली बुराइयों के प्रति उन्हें जागरूक करें, क्योंकि क्योंकि महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। अरे पर दीदी और भी तो मुद्दे होंगे जिस पर हम नाटक शुरू कर सकते हैं। अरे नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तब जाकर बनेंगे विकसित भारत। पर वो कैसे? अरे विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, और दूसरे देशों पर भरोसा न करके अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो क्या विज्ञान पर भरोसा करने से ये सब हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, देखो जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, आज भी हमें उन्हीं मूल्यों को साथ लेकर चलना होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमसे छोटी युवा पीढ़ी को हम ये अपील करें, वे इस देश में हमारे पुरखों द्वारा दिए गए योगदान को पढ़ें, समझें, खंगालें और अपनी संस्कृति सभ्यता को कभी न भूलें, कभी न छोड़ें। आप जाकर होगी सर्वांगीण उन्नति, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। अरे हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। और भैया ये हुआ नहीं कि सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और हम विश्व गुरु बनकर सारे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। अरे विश्व गुरु लगे हाथों और भी तो पुरैया बता दो जिस पर हम नाटक शुरू कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, जिन पर हम नाटक लिखकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है, इसकी वजह से पुरुष और स्त्री का रेशियो बिगड़ गया है। मैं काम करती हूँ, कल ही इसके ऊपर एक नाटक शुरू करती हूँ। अरे पर और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बता।
बताओ, तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम बताओ और कौन सी बुराइयां हैं? मैं बताता हूँ, दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। हम इस पर भी एक नाटक शुरू कर सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं और उनका मनोरंजन भी कर सकते हैं। अच्छा बैठ जाओ। देखो, इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुदेव कुटुंबकम का भारत का जो विचार है उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। मेरे दोस्त इधर आइए। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जिससे हम सभी भारतीयों को सशक्त बना सके और साथ ही 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। इससे न केवल हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से बनेंगे विश्वगुरु। इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय में इतनी लंबी छलांग लगाई और बन गए विकसित राष्ट्र। तो भैया यही समय है, सही समय है। आइए हम भारत की पिछड़ी जनता के उत्थान के लिए सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाई, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विश्व गुरु बनने में रंगमंच का योगदान सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल, तो इस सपने को साकार करने के लिए आप सब लोग भी पंच प्रण की शपथ लें। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, सुदैव कुटुंबकम, सुदैव कुटुंबकम, वंदे भारत जय जय भारत, 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 सशक्त भारत विकसित भारत, सशक्त भारत विकसित भारत, जय हिंद जय हिंद। इसको क्या लगा, इस पर कुछ सवाल जवाब है। हाँ जी, शुरू करिए आप में से। मैं सर सबसे पहले कहूंगा कि नाटक के बाद कलाकारों का एक बार परिचय देता हूँ। आदेश होगा तो आज पायल दिव्यांशु नाटा, सुधांशु आठा, भक्ति त्यान, प्रखर भट्ट, क्या लगा? तीन दिन आपने केवल जी के नाटक देखे, एक दिन आपने किया, अभी भी किया, आप लोगों क्या लगा? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बाहर से कोई नाटक आता है तो एक जो ऑडियंस होती है वो एक लोकल आर्टिस्ट से काफी सारी उम्मीदें रखती है, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस ऑडियंस को एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा मनोरंजक नाटक में दिखा पाए। तो उनके नाटक भी बहुत ही कमाल के थे, उसके साथ में अपने उस मोटिवेशन को बरकरार रखना कि नहीं हम भी बहुत अच्छा करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब राह समझ में है कि अब हम भी ऐसा कर सकते हैं। सर अलग अलग प्रकार के जो नाटक आते हैं हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें नाटकों के अलग अलग प्रकार को जानने का मौका मिलता है। फिर वो लोकल पंजाबी में था तो वो कुछ भाषाई तौर पर भी हमें ज्ञान मिलता है कि हम इन चीज़ों को भी आगे लेकर बढ़ सकते हैं और अपने लिए वो फायदेमंद होती है। सर एक और चीज़ ये थी कि पंजाबी में क्योंकि वो नाटक कर रहे थे तो पहला वाला जो शो था वो हिंदी में किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने किए थे वो पंजाबी में किए थे। तो कितनी बार क्या होता है कि सर हम पंजाबी मतलब क्योंकि पंजाबी इतनी बोलते नहीं है तो इतनी सही से हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो नाटक मतलब उससे मुझे ये लगा कि जो नाटक जो है वो मतलब उसके लिए कोई लैंग्वेज, आपको कुछ चीज़ व्यक्त करने के लिए कुछ लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। अगर आप वहाँ पे सही से एक्शन कर रहे हो और अगर आप नाटक के अंदर अच्छे से घुले मिले हो तो आप उनकी भाषा समझ पाओगे, उनके जो एक्शन है वो जो बोलना चाह रहे हो उस नाटक के माध्यम से वो आप समझ पाओगे। तो ये एक चीज़ सीखना होगी। उनको देख के ये सीखने मिला कि
भाषा किसी भी नाटक के लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप दिल से किसी चीज को करते हो, डेडिकेशन से करते हो, तो जो आप ऑडियंस को जो समझाना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, वो ऑडियंस समझ जाएगी। तो उस चीज से काफी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर हम किसी दूसरी भाषा में भी नाटक करें तो मैं भाषा को लेकर इतना चिंतित नहीं होना है कि भाई ऑडियंस को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, मुझे अपनी टीम के साथ काम करके ये लगा कि किस तरह से पूरी टीम एक साथ मिलके कैसे काम करती है, किस तरह से हमें जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है, किस तरह से पूरा डेडिकेशन उसके लिए डालना पड़ता है, किस तरह से जो हमारे साथ लोग हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ता है, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, या एज एन आर्टिस्ट आप क्या फील कर रहे हैं मुझे लेकर कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, या मैं आपके साथ कैसा फील कर रहा हूँ कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो वो सारी चीजें जानने में, समझने में ये मुझे काफी कुछ लगा। और मल्टीपल की एक साथ आपके साथ इतना काम आ जाता है, फिर भी कैसे आप उसको मैनेज करते हो एक साथ मिलके, तो टीम वर्क जो है वो बहुत जरूरी है, ये मुझे सीखने को मिला। ऑडियंस से कोई सवाल पूछो, कोई सवाल आपको देना।